those things that are in the past. और आप सभी उसमें हैं, पौलुस ने कहा था, जो गुजर चुकी है उन बातों को भूल जाओ. All our mistakes of last year are pressed towards the mark of the high calling. पिछले वर्ष की सभी गलतियों को भूलकर परमेश्वर की स्वर्गीय बुलाहट के विषय में सोचिए. All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए जो मैंने पिछले वर्षों में करी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए. God forgive me, church forgive me. परमेश्वर मुझे क्षमा करे, कलीसिया भी मुझे क्षमा करे. And the ministry that I failed, God forgive me for it. परमेश्वर आपकी सेवकाई के काम को ठीक से ना करने के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए. Church forgive me my mistakes. एक कलीसिया मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर देना. Now press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु में अपनी बुलाहट को सही सिद्ध करूंगा. Whatever hold tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963. कल क्या होगा या नए वर्ष में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 1963 किसके हाथों में है. Let us raise our hands to God now and let us pray in our own way. आइए अब हम परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाकर अपने अपने लिए प्रार्थना करें. As we make our confessions and ask God to help us through this next coming year. हम अपने अपराधों को स्वीकार करें और आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें. Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts and all the mistakes of last year. हे स्वर्गीय पिता, जबकि हम आपके सम्मुख खड़े हैं और हमारे हृदय में उठते कई बुरे विचार अब मर चुके हैं और हम पिछले वर्ष की गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं. As we are approaching the death of 62 and the birth of 63. और अब जब 1962 को अलविदा कहकर हम 1963 में प्रवेश कर रहे हैं. Oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and his program. हे परमेश्वर, होने दीजिए कि हम सिद्धता की सीढ़ी पर एक कदम और आगे रखकर ऊपर चढ़ सकें, ताकि हम यीशु मसीह और उसकी योजना को जान सकें.